एवरीवन, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपकी प्यारी खुशी। आई एम टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड लामा फेरा ग्रैंड मास्टर। तो फाइनली अप्रैल मंथ की रीडिंग्स आपको देखने को मिलेगी एंड वीकली राशि होरास्कोप एंड अपडेट्स मेरे अभी आना जो है आपके पास स्टार्ट होना हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे एंड मेरे इंस्टाग्राम पे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टैरट क्वीन खुशी पे एंड वेलकम डिवाइन बेबी। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए एंड अभी कोई भी पॉज नहीं होगा। अभी कोई भी मंथ में मेरी रीडिंग्स नहीं आएंगी, ऐसे कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि मेरी जो ऑफिस है अभी मुंबई में शिफ्ट हो चुकी है। उसके थोड़े से काम के चक्कर में मैं 2 महीने से कुछ भी अपडेट नहीं दे पा रही थी, पर अभी मेरी अपडेट जो है यूट्यूब पे आती रहेंगी एंड इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स भी आते रहेंगे। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए एंड स्टार्ट करते हैं अप्रैल मंथ की रीडिंग। लव रीडिंग एंड करियर रीडिंग दोनों की प्रिडिक्शन रहेंगी। तो चलिए जानते हैं कि दिस मंथ क्या होगा और कैसे रहेगी लव कम्युनिकेशन, लव रीडिंग एंड हमारी करियर रीडिंग, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अगली राशि जो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिस मंथ कैसा रहेगा, तो चलिए जानते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून करियर के रिगार्डिंग एंड द डेविल एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कार्ड्स में नजर आती है, दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को गेन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने नॉलेज को बहुत अच्छे तरीके से गेन कर रहे हैं। जो कुछ भी चीजें आपकी छूटी होगी तो दिस मंथ में आप अपनी कंप्लीट कर लेंगे। कुछ ना कुछ न्यू चीजें, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप कुछ न्यू चीजें परचेसिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको जैसे कि होम लेना है, ऑफिस लेना है, शॉप लेनी है, या फिर आपको कहीं ना कहीं गाड़ी परचेसिंग करनी, कि कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग चल रही है जिसकी वजह से आप पैसे इकट्ठा करते हुए मुझे दिस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ न्यू काम क्या स्टार्टअप भी मुझे दिस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है, अप्रैल मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने काम को एक न्यू तरीके से बढ़ाएंगे, एक लोगों से अच्छे से कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ ना कुछ चीज आप बोलते ना कि बहुत सारी पुरानी चीजें आप छोड़ के आगे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपका लाइफ का कुछ टर्न ऑफ पॉइंट चलते हुए दिखाई दे रहा है मुझे वृश्चिक राशि वाले। कुछ ना कुछ चीजें आप मूव ऑन करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए मुझे दिस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेस्टिनी चेंज होती हुई दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं आपके कर्मास बदलते हुए दिखाई दे रहे। जितने भी आपने पॉजिटिविटी से अपने लाइफ को सहारा होगा अब तक, तो उतने लाइफ से आपकी पॉजिटिविटी से जितने भी होते ना कि अपने कर्मास अपने पॉजिटिविटी से जितने आपको होते ना कि उसके कर्मा आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल चुके होंगे, तो वो अच्छे तरीके से आपके लाइफ को एक न्यू एक ग्रोथ करते हुए दिखाई दे। अगर आपके लाइफ में आपने थोड़ी सी कुछ भी किसी का दिल दुखाया या फिर किसी को आपने परेशान किया, तो वो चीजें भी आपके साथ रिकवरी दिस मंथ में नजर आती हुई दिखाई दे। डेस्टिनी बहुत ज्यादा फास्ट आपके लाइफ में मतलब चेंजेस लाती हुई दिखाई दे, काफी ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा चेंजेस आपके लाइफ में दिस मंथ में लगातार चलते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन एंड द लवर, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में नहीं क्या, आप बहुत सारे सिचुएशन से भागते हुए दिखाई दे रहे थे वृश्चिक राशि वाले। शादी से भागना, कुछ बात नहीं करना, इन मतलब कि आपका मन नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ऐसा पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ फाइनली मैरिज की कंडीशन दिस मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको लव पार्टनर ऐसा मिलेगा जो लविंग रहेगा, केयरिंग रहेगा, आपकी जितने भी माइंड में जितनी भी नेगेटिविटी है पार्टनर को लेके, जैसे कि मैं ना करूँ तो बेटर है, मेरे लाइफ में पार्टनर ना आए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये चीजें दिस मंथ में ऐसे दिखाई दे रही है कि बहुत सडनली चेंज होती हुई नजर आती दिखाई दे। कहीं ना कहीं डेस्टिनी जब चेंज होती है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जब भी आता है, तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी जब चेंज होती है तो काम में भी बदलाव लेके आता है, लव में भी आपके लाइफ में बदलाव लेके आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन मुझे दिस मंथ में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात की जाए तो काफी ज्यादा रिलेशनशिप स्ट्रांग होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रहा है, क्योंकि द लवर का कार्ड से कितने भी अनबन होगी, कितने भी अपने बोलते ना कि एक दूसरे से बहुत सारी बातें छुपाए होगी, एक दूसरे से बात नहीं की होगी, तो भी दिस मंथ ऐसा रहेगा कि आप अपने लव पार्टनर से एक प्यार भरा रिलेशन आपका दिस मंथ में नजर आती हुई दिखाई देगा। कहीं ना कहीं बात की जाए कि हेल्थ इशू, तो हेल्थ इशू नहीं नजर आती दिखाई दे रहे, पर कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, एंजॉयमेंट्स करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें उधर कि आप थोड़े से बाहर आना जाना आपका दिस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा आपके ट्रैवलिंग में इशू आना, थोड़े से हेल्थ इशू उनके वजह से आते हुए दिखाई दे रहे, बाकी अदरवाइज आपकी काफी सिचुएशन मुझे जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे। कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दिस मंथ में रहेगा, कहीं ना कहीं बाहर घूमने भी जाते हैं तो एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा फूड
जहाँ पे भी आप खाना जितना भी खाते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के खाना खाए, क्योंकि थोड़ा सा आपको बोलते हैं कि पेट स्टमक पेन होना या फिर हेडेक्स होना, बॉडी पेन होना, ये सिचुएशन आपकी दिखाई दे रही है, क्योंकि इधर टावर का कार्ड्स आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर गाड़ी चलाते तो सोच समझ के गाड़ी चलाएं, वेट ज्यादा ओवर वेट अपनी गाड़ी पर मत रखें, ये चीजें आप कर सकते हैं। इस मंथ में गाड़ी चलाने से बोलते ना कि बहुत बार बचें एंड गाड़ी चलाते समय बहुत बार सोच समझ के गाड़ी चलाएं, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। एंड कहीं बाहर खाना खाना हो तो बहुत सोच समझ के खाना खाइए, थोड़ा थोड़ा लाइट लाइटली आप खाना लेके आप घर पे आ सकते हैं। बाहर की चीजें जितनी अवॉइड कर सके तो इस मंथ में अवॉइड कीजिए। बाकी अदरवाइज वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी सारी कंडीशन जो है, काफी सारी चीजें जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बट एक ध्यान में रखना है वृश्चिक राशि वालों के लिए कि कर्मा चेंज हो रहे, तो कर्मा आपके जैसे कि 4-5 मंथ में एनी टाइम आपके चेंज होते रहेंगे, तो आपके साथ सडनली लाइफ बहुत फास्टली चेंज होती होती दिखाई दे रही है। दिस मंथ पे नहीं, 3-4-5 महीने तक आपकी कंडीशन ऐसी दिखाई देगी कि आप सडनली आपको घर लेना है तो सडनली घर भी हो जाएगा, तो उसका थोड़ा सा ओवरलोड, लव कम्युनिकेशन में थोड़ा सा ओवरलोड, आप बहुत सारे सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये सारे सिचुएशन आपकी दिस मंथ में नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिख के भेजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर कीजिए। मैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पढ़ती हूँ। और हाँ, मेरी न्यू ब्रांच जो स्टार्ट हो चुकी है मुंबई में, आप वहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं बोरोवली में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना एड्रेस छोड़ देती हूँ। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन करना है तो आप मुझे पर्सनली वहाँ पे मिल सकते हैं। मैं 25 अप्रैल से लेके वहाँ पे एनी टाइम वहाँ पे रहूंगी और आप मेरे यहाँ से विजिट कर सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं। टैरो रीडिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। टैरो रीडिंग की क्लासेस 3 डेज के रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे भी फाइनली अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करने तो अभी अमरावती में 6 दिन के बैचेस रहेंगे, तो आप अमरावती में भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड टैरो रीडिंग अगर आपको सीखनी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, वीडियो क्लासेस भी कर सकते हैं, जीबू क्लासेस भी कर सकते हैं, रेकी क्लासेस भी आप कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते रहे और ऐसे ही आपका प्यार मेरे पे बनाए रखे। मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।